अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं जुल्फिकार अली, गोदी मीडिया के सरदार अर्नब गोस्वामी जो चीख चीख कर बॉलीवुड के दबंग सलमान खान पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें बदनाम कर रहे थे, कैसे उन्हें उल्टा सीधा बातें कर या यूं कहे बकवास कर रहे थे उनके बारे में उल्टा सीधा बोलकर, और वह दिखा रहे थे कि वह कितना बड़ा पत्रकार है। फिलहाल सलमान खान ने उन्हें उन्हीं की भाषा में क्या जवाब दिया, देखें हमारी ये वीडियो। अंदर या किसी भी शो के अंदर, अब जैसे हम लोग फिल्में करते हैं तो फिल्में कौन देखता है? ऑडियंस। अब हम सबको टीआरपी चाहिए, करेक्ट जी। तो उसके लिए यू विल हैव टू प्ले द राइट गेम। ये नहीं कि टीआरपी आप कुछ भी करके लेके आए। बी ऑनेस्ट टू कलर्स, जस्ट ऑनेस्ट रियल, नॉट बाय के यार ये बकवास चल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये कुछ भी उल्टा सीधा बात कर रहा है, बकवास कर रहा है, चिल्ला रहा है, खामखा पॉइंट ही नहीं है, वो आपका चैनल को ऑफ कर देंगे। जो मुझे कहना था इनडायरेक्टली मैंने कह दिया। ये तो होना ही था, कब तक ऐसी बकवासों को अनसुना किया जाएगा। जब बर्दाश्त हद से बाहर हो गया तो सलमान खान ने अपने ही बिग बॉस शो में, जिसे सबसे ज्यादा देखा जाता है, उसमें उन्होंने कहा कि टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट का गंदा खेल बंद करें, नहीं तो टेलीविजन बंद हो जाएगा। अब अर्नब स्वामी को समझ आएगा कि चैनल खोलकर किसी को भी बदनाम करने या बकवास करने का आखिर नतीजा क्या होता है। जिस चैनल को वह चलाते हैं उसी चैनल पर खुद को जलील होता देख कैसा लग रहा है अर्नब गोस्वामी को। अब आप वह वीडियो देखिए जिसमें अर्नब गोस्वामी पागलों की तरह चीख चीख कर सलमान खान को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। किस तरह वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि कहाँ है सलमान खान, कहाँ छुपा है सलमान खान, देखें ये वीडियो। कहाँ छुपा हुआ है? ड्रग्स माफिया के बारे में एक आवाज क्यों नहीं उसके? क्या बातें कर रहे हैं, बात क्या हो रही थी और कहाँ जा रहे हैं आप? बोलते बंद क्यों? सर अर्नब जी आप क्या बोलते नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, जवाब देना। मैं पूछ रहा हूँ सलमान खान का नाम लेकर अर्शे को भी मैं जवाब देना। कहाँ है सलमान खान? सलमान एक आवाज नहीं उठी, एक स्टेटमेंट नहीं, एक ट्वीट नहीं, पर्सनल क्या? मैं पूछ रहा हूँ सलमान खान कहाँ है? तो देखा आपने किस लहजे में अर्नब गोस्वामी सलमान खान के बारे में बात कर रहे हैं। सलमान खान ने तो फिर भी अच्छे लहजे में उन्हें जवाब दिया। अगर उनकी जगह कोई और होता तो आप बखूबी जानते हैं कि उनका लहजा किस तरह होता और किस कदर होता। पूरा बॉलीवुड गोदी मीडिया की क्लास लगाने पर उतर आई है। बहुत कुछ सहने सुनने और बदनामी के साथ बॉलीवुड ने गोदी मीडिया को सबक सिखाने की तैयारी कर ली है। गोदी मीडिया द्वारा बॉलीवुड को बदनाम करने को लेकर चलाए गए इस अभियान का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। 4 बॉलीवुड एसोसिएशन और 34 बॉलीवुड निर्माताओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। 34 प्रोड्यूसर्स जो हैं और कुछ यूनियन कोर्ट चले गए हैं कुछ टीवी चैनल के खिलाफ। उनका यह मानना है कि अभद्र तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था पिछले कुछ महीने से। दायर याचिका में गुहार लगाई गई है कि बॉलीवुड के खिलाफ अपमानजनक बातें करने से उन्हें रोका जाए, यानी गोदी मीडिया को रोका जाए। याचिका दायर करने वालों में से करण जौहर, सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान की प्रोडक्शन कंपनियां भी शामिल हैं, जिसे गोदी मीडिया द्वारा टारगेट किया गया। उनके बयानों में मतभेद हैं, क्या बॉलीवुड की लॉबी कुछ छिपा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, परिवार कह रहा है कि सुशांत को डिप्रेशन नहीं था, कोई मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम नहीं थी सुशांत सिंह राजपूत को, तो क्या सुशांत की मौत के पीछे बॉलीवुड की एक लॉबी का टॉर्चर है? क्या सुशांत सिंह राजपूत को गैंग्स ऑफ बॉलीवुड ने मारा? सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई, इट वॉज अ प्लैंड मर्डर। कंगना रनौत आखिर ऐसा क्यों कह रही है? सुशांत सिंह राजपूत को क्या बॉलीवुड गैंग ने मारा? क्योंकि बार बार कंगना बॉलीवुड में माफिया की बात कर रही हैं, कंगना खुलकर बड़े नाम ले रही हैं।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया है दंगल का। दंगल छिड़ा हुआ है बॉलीवुड के सितारों में बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर, क्योंकि एक आर पार की लड़ाई जैसी स्थिति बन गई। तो बॉलीवुड के नशेड़ी गैंग का खुलासा हम लगातार यहां पर कर रहे हैं, किस तरह से ड्रग्स कनेक्शन लगातार यहां पर सामने आ रहा है और बड़े नाम यहां पर सामने आ रहे हैं। अब आपके सामने 2019 की वो तस्वीर रखने जा रहे हैं, वो वीडियो रखने जा रहे हैं, जो कि जाने माने फिल्म मेकर करण जौहर ने खुद ही शूट करके खुद ही से अपलोड किया था। और अब इसका जिक्र इसलिए खास हो जाता है क्योंकि पहले ही फ्रेम में दीपिका पादुकोण को इस वक्त आप देख सकते हैं। क्या बॉलीवुड में नशेड़ियों का एक बहुत बड़ा गैंग है और वो अपना अड्डा बना चुका है? ये सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि दीपिका पादुकोण, दिया मिर्जा, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, ये कोई छोटे मोटे नाम नहीं है। गोदी मीडिया चैनल का गलत इस्तेमाल कर हर वो हथकंडे अपनाकर बॉलीवुड की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे थे, जिनकी ये कोशिश नाकामयाब हुई। और अब हर्जाना देने और नापाक हरकतों का हिसाब देने का वक्त आ गया है। अर्णब गोस्वामी, ये लोकतंत्र है, यहाँ सरकार और सिस्टम से ऊपर जनता है। अब जनता समझ चुकी है और जान चुकी है आपके काले कारनामों के बारे में, और कोर्ट से भी तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। इस मुद्दे पर और गोदी मीडिया के मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। खुदा हाफिज़।